नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। किसान महापंचायत में कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे, सरकार पर जमकर बरसे। थाना क्षेत्र नीरजापुर के गांव चौराहार निवासी अशोक कुमार के आवास पर किसान पंचायत एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राकेश संचान ने सरकार पर तीखे प्रहार किए और बताया सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें करने का जनता को आश्वासन दिया था, लेकिन गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त सड़कें आज भी हैं, जिनमें लोगों को निकलना भी बमुश्किल से होता है और आलू के भाव भी खराब सरकार दे रही है, जिससे किसान बहुत ही मायूस हैं। मुख्यमंत्री के बीवी का, उन्होंने कह दिए बड़े बड़े फैक्ट्री बनाएंगे, तो आ गए वो फैक्ट्री, हम लोग जब आएंगे तो MSP हम आलू और प्याज और लहसुन हम फौरन इसको जारी कर देंगे। 4 साल हो गए, बताओ कोई MSP है? नहीं। कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ इस उत्तर प्रदेश में और जहां जहां इस BJP की सरकार बड़ा है, क्योंकि मैं बता दूं आपको ये केवल इतना जानते हैं कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले ये कह देंगे कि साहब हम मंदिर बनाएंगे, ये कह देंगे कि हम चीन पे आक्रमण करेंगे, ये कह देंगे कि हम पाकिस्तान पे आक्रमण करेंगे। इनसे पूछा जाए कि ये विकास कितना करा रहे हैं, ये कितनी योजनाएं लेके आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में एम्स बनाने का कार्य करेंगे, PGI बनाने का कार्य करेंगे। नहीं, कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कोई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई। अभी मैंने आपसे कहा कि राजनीति की दिशा और दशा बदलना चाहता हूं, दिशा की बात मैंने बता दी और दशा ये कि अब घर में बैठने वालों को राजनीति करने का मौका मत दीजिए।